नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अभी की दुनिया AKD चैनल में। आज 1 अक्टूबर 2021 को द हिंदू न्यूज़पेपर के सभी महत्वपूर्ण समाचारों को पढ़ेंगे, तो चलिए इन्हें पढ़ना शुरू करते हैं। तो आज के जो समाचारों की सबसे बड़ी हेडलाइन है, टाइटल है अमरिंदर सेज ही इज लीविंग कांग्रेस बट नॉट ज्वाइनिंग BJP। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अमरिंदर का कहना है कि वह कांग्रेस छोड़ रहे हैं लेकिन BJP में शामिल नहीं हो रहे हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को स्पष्ट कर दिया कि वह कांग्रेस छोड़ देंगे, क्योंकि उन्हें उस नेतृत्व से मानित महसूस हुआ जिसने उन्हें चरणजीत सिंह चन्नी के साथ बदल दिया गया। बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बहुचर्चित बैठक के बावजूद उन्होंने कमोबेश भाजपा में शामिल होने से ही इनकार कर दिया। एक बयान में उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, पार्टी में नहीं रहूंगा और वह अभी भी पंजाब और की सुरक्षा के हित में अपने विकल्पों के बारे में सोच रहे थे। बयान में उन्हें यह कहते हुए उद्धृत किया गया कि मेरे साथ इस अपमानजनक तरीके से व्यवहार नहीं किया जाएगा, मैं इस तरह का अपमान नहीं लूंगा। उनके सिद्धांत और विश्वास उन्हें कांग्रेस में बने रहने की अनुमति नहीं देते हैं। बाद में मोहाली में उतरने के बाद कैप्टन सिंह ने जोर देकर कहा कि सिद्धू पंजाब का नेतृत्व करने के लिए सही व्यक्ति नहीं है और अगर वह चुनाव लड़ते हैं तो मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगा। कैप्टन सिंह ने गुरुवार सुबह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की, जहां उन्होंने कहा कि उन्होंने संवेदनशील सीमावर्ती राज्य में सुरक्षा स्थिति के बारे में बात की। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। आज का टाइटल है भवानीपुर बाई इलेक्शन सीज लोअर वोटर टर्नआउट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भवानीपुर उपचुनाव में कम मतदान। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को हुए उपचुनाव, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव लड़ रही हैं, में अलग अलग गड़बड़ी के बीच अपेक्षाकृत कम मतदान हुआ, जबकि राज्य दो अन्य सीटों और ओडिशा की विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव में उच्च मतदान हुआ। शाम 5 बजे तक लगभग 53.32 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि जंगीपुर में 76.12% और शमशेरगंज में 78.6% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। जहां अप्रैल में विधानसभा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों की मृत्यु के कारण पिपली के साथ चुनाव स्थगित कर दिया गया था, पश्चिम बंगाल के 3 निर्वाचन क्षेत्रों में से इसमें भी हिंसा की कोई बड़ी घटना नहीं हुई है। भारत निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार पिपली में शाम 5 बजे तक 68.4% मतदान हुआ। ओडिशा के उड़ीसा के मुख्य चुनाव अधिकारी एस लोहानी ने कहा, कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है और मतदान शांत रहा। 3 अक्टूबर को परिणाम। चारों चुनावों के नतीजे 3 अक्टूबर को आएंगे। भवानीपुर उपचुनाव महत्वपूर्ण है क्योंकि सुश्री बनर्जी मई में नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी। अपना पद बरकरार रखने के लिए उनके पास विधानसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए पदभार ग्रहण करने से 6 महीने का समय था। दक्षिण कोलकाता के शहरी निर्वाचन क्षेत्र भवानीपुर में विभिन्न समुदायों और धर्मों के मतदाता हैं। सुश्री बनर्जी, जो इस निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता भी हैं, ने दोपहर में मित्रा संस्थान में अपना वोट डाला। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाए। अगली टाइटल है LAC इंसिडेंट्स विल गो ऑन टिल पैक्ट इज साइंड। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। समझौता साइन होने तक जारी रहेगी LAC की घटनाएं। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज नरवणे ने गुरुवार को कहा कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ विकास ने पश्चिम और पूर्वी मोर्चे पर भारत की सक्रिय और विवादित सीमाओं पर चल रही विरासत की चुनौतियों को जोड़ा है। उनके मुताबिक इस तरह की घटनाएं तब तक जारी रहेंगी जब तक कि एक दीर्घकालिक समाधान नहीं हो जाता, यानी सीमा समझौता नहीं हो जाता है। पिछले मई में चीन के साथ गतिरोध का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, अभूतपूर्व घटनाक्रमों के लिए बड़े पैमाने पर संसाधन जुटाना, बलों की व्यवस्था और तत्काल प्रतिक्रिया की आवश्यकता थी, यह सब एक COVID-19 वातावरण में। PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वार्षिक सत्र में बोलते हुए जनरल नरवणे ने कहा, हम किसी भी दुस्साहस से निपटने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं। इस तरह की घटनाएं तब तक होती रहेंगी जब तक कि दीर्घकालिक समाधान नहीं हो जाता, यानी सीमा समझौता। यह हमारे प्रयासों का जोर होना चाहिए ताकि हमारे उत्तरी सीमाओं पर स्थायी शांति हो। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त हो जाती है।
अगली न्यूज का टाइटल है मेक फार्मर्स पार्टीज इन केस टू ईज जैम एससी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। जाम कम करने के लिए किसानों को पक्ष बनाएं एससी। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए पहल करनी होगी कि केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ राजधानी की मुख्य सड़कों को अवरुद्ध करने वाले किसानों के संगठनों को लगभग एक साल के समाधान के प्रयासों में पक्षकार बनाया जाए। न्यायमूर्ति एस के कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मुद्दे को संसद की बहस या न्यायिक मंच में हल किया जा सकता है, लेकिन राजमार्गों को अवरुद्ध करने से यात्रियों को असुविधा होती है जो अस्थायी रूप से नहीं चल सकता। अदालत नोएडा निवासी मोनिका अग्रवाल द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इस बात पर प्रकाश डाला गया था कि विरोध के कारण ब्लॉकों ने नोएडा और दिल्ली के बीच उनके दैनिक आवागमन को एक बुरे सपने में बदल दिया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसान एक उच्च स्तरीय समिति के समक्ष वार्ता में भाग लेने से इनकार कर रहे थे, उनके विरोध के कारण राजमार्गों के खंड दुर्गम हो गए थे। श्री मेहता ने सुझाव दिया कि वर्तमान याचिका में किसान संगठनों को पक्षकार बनाया जाए। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है डेडलाइन टू रिन्यू FCRA रजिस्ट्रेशन एक्सटेंडेड। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। FCRA पंजीकरण के नवीनीकरण की सीमा बढ़ी। गृह मंत्रालय ने गैर सरकारी संगठनों के लिए अपने विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम पंजीकरण प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। संघों और गैर सरकारी संगठनों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है विदेशी धन प्राप्त करने के लिए। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है सिद्धू वाज फोकस्ड ऑन सिख मैटर्स अलोन। चलिए इसे पढ़ते हैं। सिद्धू का फोकस सिर्फ सिख मामलों पर था। दो दिन पहले क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से यह कर इस्तीफा दे दिया कि वह पंजाब के पक्ष में एजेंडे के लिए संघर्ष से समझौता नहीं करेंगे। हालांकि हाल के दिनों में उनकी राजनीति काफी हद तक देखी गई है। शिरोमणि अकाली दल SAD के बादलों को राजनीतिक रूप से घेरने के प्रयास में सिख मुद्दों के इर्द गिर्द घूमते हुए अन्य शक्तिशाली मुद्दों को खाड़ी में रखते हुए अप्रैल में 2019 में पंजाब कैबिनेट से अपने इस्तीफे के बाद से राजनीतिक नींद में रहने के बाद श्री सिद्धू ने फरीदकोट के बरगारी गांव के पास बुर्ज जवाहर सिंह वाला में एक गुरुद्वारे में जाकर अपनी राजनीतिक सवारी को फिर से जीवित कर दिया। यह गाँव 2015 में बेअदबी घटनाओं का था। बेहबल कला में बेअदबी के विरोध दो सिख प्रदर्शनकारी मौत। श्री सिद्धू बेहद घटनाओं में न्याय दिलाने और खुद को और कांग्रेस को पंथ समर्थक के रूप में पेश करने प्रयास में अपनी सरकार और बादल परिवार दोनों पर हल्ला करके मुद्दे को जबरदस्ती उठा रहे थे। समुदाय के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए सिख वोक बटोरने और बरगारी बेअदबी के मुद्दे को बार बार उठाकर खुद को पंथ समर्थक के रूप में पेश करने के प्रयास में श्री सिद्धू को शायद इस बात का एहसास है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले अति ध्यान पंथिक मुद्दे हिंदू वोट बैंक एक बड़े हिस्से को खत्म कर सकते हैं, जो कि कई राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार पारंपरिक रूप से कांग्रेस साथ रहा है। पंजाब में पंथिक मतदाता पारंपरिक रूप से शियद से जुड़े रहे हैं जबकि हिंदू मतदाताओं का रुझान पारंपरिक रूप से कांग्रेस की ओर रहा है। कांग्रेस का हमेशा से हिंदुओं और सिखों के बीच अपना समर्थन आधार रहा है, लेकिन पंथिक मुद्दों पर अधिक ध्यान देने समस्याएं पैदा हो क्योंकि यह अकाली दल के क्षेत्र में खेल रहा होगा। कांग्रेस को इस तरह के मुद्दों को लेकर ओवरबोर्ड नहीं जाना चाहिए। बेअदबी के मुद्दे पर अकाली दल पहले से ही बैकफुट पर है। दरअसल कांग्रेस को शोर मचाने के बजाय जमीन पर कुछ कार्रवाई दिखानी चाहिए। पंजाब विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के प्रोफेसर आशुतोष कुमार ने कहा, पंथिक मतदाताओं में प्रवेश करने का श्री सिद्धू का प्रयास टपड़ सकता है क्योंकि हिंदू मतदाता झूल सकते हैं। पंजाब के लेखक और राजनीतिक विश्लेषक देशराज काले कहा, बरगारी के मुद्दे पर इस्तीफा देने
देना उचित नहीं है। सिद्धू को यह महसूस करना चाहिए था कि बरकारी बेअदबी के अलावा और भी कई मुद्दे हैं जिन्होंने पंजाब को त्रस्त किया है। पंजाब में लोग बेरोजगारी, ड्रग, आर्थिक संकट, किसान और मजदूर समस्याओं और आत्महत्याओं का सामना कर उन्होंने केवल एक एजेंडे पर इस्तीफा दिया, ऐसा उनका के साथ समाप्त। अगली न्यूज का टाइटल है मॉनसून में विड्रॉ फ्रॉम नेक्स्ट वीक। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अगले हफ्ते से विदा हो सकता है मॉनसून। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि मॉनसून 6 अक्टूबर मुख्य भूमि से वापस शुरू होने की संभावना है क्योंकि देश में उपखंडों में औसतन लगभग 87 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है जो सामान्य रूप से मॉनसून के दौरान प्राप्त होने वाली लगभग 88 सेंटीमीटर से कम है। मॉनसून के दौरान वर्षा की मात्रा को 1 जून से 30 सितंबर के बीच प्राप्त वर्षा के रूप में गिना जाता है। 223 मिलीमीटर की सितंबर की बारिश 1993 के बाद से दूसरी सबसे बड़ी बारिश है जब इसे 239 मिलीमीटर सामान्य से 40% अधिक मिला था। 2019 में भारत ने लगभग 250 मिलीमीटर या सामान्य से लगभग 52% अधिक दर्ज किया। अगर पिछले महीने असाधारण बारिश नहीं हुई होती तो भारत में बहुत कम बारिश हो सकती थी। जुलाई के मध्य में शुरू हुई और अधिकांश अगस्त तक चलने वाली वर्षा के कमजोर होने के साथ भारत में वर्षा की कमी लगभग 24% तक बढ़ गई थी। गुरुवार तक भारत ने अपनी मानसूनी वर्षा का 99% प्राप्त कर लिया है। मानसून की शुरुआत में IMD ने 4 महीनों में बारिश सामान्य से अधिक या लंबी अवधि के औसत 88 सेंटीमीटर के लगभग 101% होने का अनुमान लगाया था। अगस्त में एक चौंका देने वाली कमी के बाद दूसरा सबसे बारिश वाला महीना इसने यह कहते हुए इसे संशोधित किया कि यह एक नई संख्या निर्दिष्ट किए बिना सामान्य के निचले सिरे पर होगा। भविष्यवाणी के अनुसार हालांकि IMD ने यह भी कहा कि सितंबर की बारिश सामान्य से अधिक होगी या महीने के लिए सामान्य से 110% अधिक होगी। मध्य प्रशांत महासागर में तापमान में बदलाव के कारण सितंबर की बारिश अच्छी होने की उम्मीद थी जहां एक ला नीना सामान्य समुद्री सतह के तापमान की तुलना में ठंडा होने की विशेषता आकार ले रही थी। जबकि सितंबर आमतौर पर वह महीना होता है जो भारत में मानसून के 4 महीने के प्रवास के अंत की शुरुआत है। 2020 और 2019 दोनों में इस महीने के दौरान बारिश देखी गई है। 2019 में सितंबर की बारिश 152% या 25 सेंटीमीटर के करीब थी जो देश को अगस्त में मिलती है जिसे मानसून के महीनों का दूसरा सबसे अधिक बारिश वाला माना जाता है। उस वर्ष भी भारत में 1994 के बाद से सबसे अधिक मानसूनी वर्षा हुई थी। पिछले सितंबर में 17.7 सेमी वर्षा बहुत अधिक नहीं थी लेकिन सामान्य से अधिक थी। DSI हेड क्लाइमेट रिसर्च सर्विसेज IMD पुणे ने कहा कि 3 सितंबर की अतिरिक्त मानसून बारिश असामान्य थी लेकिन यह अभी तक एक प्रवृत्ति का संकेत नहीं था। मानसून के भीतर हमेशा परिवर्तनशीलता होती है और सितंबर में हमने जो बारिश देखी वह उसका हिस्सा थी। हमें यह देखने के लिए और इंतजार करना होगा कि क्या कोई प्रवृत्ति है, श्री पई ने कहा। सभी क्षेत्रों में मध्य भारत में सामान्य से 83% अधिक, उत्तर पश्चिम में भारत में 40% और दक्षिणी भारत में सामान्य से 24% अधिक बारिश देखी गई। हालांकि पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में 30% की कमी देखी गई। IMD के महानिदेशक M महापात्रा ने कहा कि आमतौर पर मध्य भारत में भारी बारिश मानसून प्रणाली की गति के कारण पूर्वोत्तर में कमजोर बारिश के अनुरूप होती है। सितंबर की मजबूत बारिश में योगदान देने वाले अन्य कारक हिंद महासागर में अनुकूल परिस्थितियों के साथ साथ बंगाल की खाड़ी में एक वर्षा असर प्रणाली थी जिसके परिणाम स्वरूप चक्रवात गुलाब आंध्र प्रदेश से होकर गुजरा लेकिन जिसका प्रभाव महाराष्ट्र तक महसूस किया गया जिससे राज्य में मूसलाधार बारिश हुई। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है चाइना कैन ज्वाइन क्वाड इनिशिएटिव्स। चलिए इसे पढ़ते हैं। चीन क्वाड पहल में शामिल हो सकता है। क्वाड समान विचारधारा वाले देशों के बीच एक साझेदारी है और इसे सुरक्षा गठबंधन की ज्वाइन नहीं किया गया है, ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा, जिन्होंने तर्क दिया कि चीन का भी एक स्वतंत्र और खुले भारत को सुनिश्चित करने के उद्देश्य में योगदान करने के लिए स्वागत है। अमेरिका से लौटने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए
जहां यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया ऑकस ने मिलकर एक सुरक्षा गठबंधन शुरू किया था। श्री मॉरिसन ने कहा कि क्वाड के सदस्य चीन को नियंत्रित करने के लिए व्यवसाय में नहीं है। एक साथ काम करने का हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि हम एक स्वतंत्र और खुले इंडो पैसिफिक को बढ़ावा दें और हर कोई जो इसमें भाग लेना चाहता है, जिसमें चीन भी शामिल है, उस कारण में एक स्वागत योग्य भागीदार है। हम इस क्षेत्र को इस तरह के द्विआधारी शब्दों में नहीं देखना चाहते हैं, श्री मॉरिसन ने एक प्रश्न के लिए कहा, जिसने क्वाड के बारे में कुछ चीनी अधिकारियों द्वारा की गई आलोचनात्मक टिप्पणियों को उठाया था। क्वाड ऑस्ट्रेलियाई नेता ने कहा, निश्चित रूप से किसी भी चुनौती को रोकने के उद्देश्य से है, प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता को परेशान करता है या किसी भी तरह से आसपास के देशों की संप्रभुता को सीमित करना चाहता है। उन्होंने कहा कि ऐसा दृष्टिकोण संभवतः चीन और भारत द्वारा भी साझा किया जाता है, या चीन की बात आती है तो हम नियंत्रण कब में नहीं होते हैं। हमें उनके आर्थिक विकास से बहुत लाभ हुआ है और वे वास्तव में बहुत सफल रहे हैं, जैसा कि भारत ने लाखों करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में किया है, श्री मॉरिसन ने कहा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जो है उन्होंने ऐसा कहा, भारत और चीनिया के बीच संतुलन बनाने में विश्वास नहीं करता है, और इसके बजाय उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि इंडो पैसिफिक और क्वाड में कैनबरा की भूमिका बहुत सकारात्मक है। टिप्पणियों ने क्वाड की प्रकृति के बारे में चल रही बहस में योगदान दिया, जिसमें 24 सितंबर को वाशिंगटन डीसी में पहले नेताओं के शिखर सम्मेलन के बाद संभावित सुरक्षा सहयोग और महामारी और जलवायु परिवर्तनों से निपटने पर जोर देने पर कम ध्यान दिया गया है। प्रधानमंत्री मॉरिसन ने जोर देकर कहा कि क्वाड महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों और दुर्लभ पृथ्वी खनिजों की खोज में भी भूमिका निभाएगा, जो ऐसी प्रौद्योगिकियों के लिए जरूरी हैं। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है, हैंडलिंग चाइना बायलेटरल इशू। चलिए इसे पढ़ते हैं। चीन से निपटना द्विपक्षीय मामला। दुनिया में चीन के उदय पर बातचीत करना काफी हद तक एक द्विपक्षीय मामला था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को क्वाड देशों द्वारा चीन की चढ़ाई को संभालने के संदर्भ में उन्होंने कहा। मंत्री भारत में आके पूर्व राजदूत फ्रैंक विस्नर के एक सवाल का जवाब दे रहे थे, जिनके साथ वह यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम एक वकालत समूह द्वारा आयोजित एक चर्चा में थे। आपके सवाल पर कि हम चीन के उदय से कैसे निपटते हैं, मैं कहूंगा कई मायने में वे द्विपक्षीय विकल्प हैं जो हम सभी को करना है। हम दोनों के चीन के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, उन्होंने कहा, और कई मायनों में चीन आज इतना बड़ा खिलाड़ी है और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में इतना प्रमुख है, मुझे लगता है कि वह स्वाभाविक है, ये रिश्ते काफी अनोखे हैं, श्री जयशंकर ने कहा। उन देशों को जोड़ते हुए जिन्होंने क्वाड सदस्यों का नाम लिया, फ्रांस और उदाहरण के तौर पर इंडोनेशिया के पास मुद्दे पर अनूठी समस्याएं और अवसर होंगे। मंत्री ने कहा कि क्वाड जैसी बातचीत को सामान्य बनाना महत्वपूर्ण था और इसका मतलब गैंग अप नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का प्राकृतिक विकास था। क्वाड के लिए था, किसी के खिलाफ नहीं, उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि क्वाड पर उनकी पिछली टिप्पणियों में उनके द्वारा चीन का उल्लेख क्यों नहीं किया गया था। हम विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए हैं, हम लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए हैं, हम राज्यों की क्षेत्रीय अखंडता के लिए हैं, इसलिए मुझे लगता है कि यह किस महत्वपूर्ण बात है कि किसी तरह के नकारात्मक प्रवचन ना पड़े जो वास्तव में हमारी स्क्रिप्ट नहीं है या किसी और की स्क्रिप्ट है, उन्होंने कहा, और मुझे नहीं लगता कि हमें इसके लिए गिरना चाहिए। श्री जयशंकर ने कहा कि भागीदारों के साथ सहयोग करने का मौलिक अधिकार मौजूद है, मुझे लगता है कि यह महत्वपूर्ण है कि दूसरों को हमारी पसंद पर वीटो नहीं करना चाहिए, यह हमारी लोकतांत्रिक विश्व व्यवस्था का हिस्सा है। भारत अमेरिका द्विपक्षीय संबंधों पर श्री जयशंकर ने देशों को बहुत अच्छे फिट के रूप में वर्णित किया कि वे बड़े चित्र मुद्दों और दिन के मुद्दों से कैसे निपटे हैं। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है, मैराथन मंथ फॉर एससी कॉलेजियम। चलिए इसे पढ़ते हैं। एससी कॉलेजियम के लिए मैराथन महीना। उच्च न्यायालयों में लंबे समय से लंबित रिक्त पदों को भरने के लिए मैराथन सिफारिशों के एक महीने में भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवीर के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 4 अलग अलग मामलों में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए सरकार को 16 न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ताओं के नाम सुझाए हैं। सितम्बर में कॉलेजियम की
बैठकें अक्सर देखी हैं, यानी हर हफ्ते एक से अधिक बार नियुक्तियों, तबादलों और पुनः स्थानांतरण की सिफारिश करने और विभिन्न उच्च न्यायालयों को अपनी सिफारिशों को दोहराने के लिए। 1 सितंबर से 29 सितंबर तक कॉलेजियम की सिफारिशें महीने के दौरान भेजी गई हैं। कॉलेजियम में जस्टिस यू ललित, एम खानविलकर, डी वाई चंद्रचूड और एल नागेश्वर राव शामिल हैं। हमने नवीनतम प्रस्तावों में कॉलेजियम में 29 सितंबर को पंजाब और हरियाणा, गुजरात, उड़ीसा और बॉम्बे के उच्च न्यायालयों में नियुक्तियों का सुझाव दिया है। पंजाब और हरियाणा में कॉलेजियम ने अधिवक्ता संदीप मोदगिल को न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने का प्रस्ताव दिया है। अधिवक्ता मौना मनीष भट्ट, समीर जे दवे, हेमंत एम प्रच्छक, संदीप एन भट्ट, अनिरुद्ध प्रद्युम्न माई, निराल रश्मिकांत मेहता और निशा महेंद्र भाई ठाकुर के नाम गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में प्रस्तावित किए गए हैं। कॉलेजियम ने अधिवक्ता आदित्य कुमार महापात्र और मृगंका शेखर साहू और न्यायिक अधिकारी राधा कृष्ण पटनायक और शशिकांत मिश्रा को उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में सिफारिश की है। बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए 4 न्यायिक अधिकारियों की सिफारिश की गई है। वे AL पानसरे, SC मोरे, US जोशी, फालके और BP देश पांडे हैं। अगस्त में एक बार में 9 नए न्यायाधीशों को सफलतापूर्वक नियुक्त करने के कुछ दिनों के भीतर कॉलेजियम ने विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में पदोन्नति के लिए एक झटके में 68 नामों की सिफारिश करके फिर से इतिहास रच दिया था। इसके बाद कॉलेजियम ने उच्च न्यायालयों में 8 नए प्रमुख न्यायाधीशों की सिफारिश की। उच्च न्यायालय के 5 मुख्य न्यायाधीशों के स्थानांतरण और देश भर में 28 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के फेरबदल की सिफारिश की। प्रस्तावित फेरबदल शायद हाल के दिनों में उच्च न्यायपालिका में सबसे बड़ा, देश के कुल 25 उच्च न्यायालयों में से 14 से न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश करता है। कॉलेजियम की सिफारिशों में इलाहाबाद, बॉम्बे, कलकत्ता, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मद्रास, उड़ीसा, पटना, पंजाब और हरियाणा, राजस्थान और तेलंगाना के उच्च न्यायालय शामिल थे। इस महीने की शुरुआत में मुख्य न्यायाधीश रमना ने न्यायिक नियुक्तियों को एक चल रही प्रक्रिया के रूप में वर्णित किया था। CGI ने कहा था कि कॉलेजियम का इरादा सभी उच्च न्यायालयों में मौजूदा 40% रिक्तियों को भरने के कठिन कार्य को पूरा करना है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि उच्च न्यायालयों में रिक्त पदों को भरने के अपने संकल्प में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एकजुट है। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का लिंक नीचे कमेंट सेक्शन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा। तो वहां पर जा करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक के माध्यम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज पे। अगले न्यूज का टाइटल है न्यू IAF चीफ प्रॉमिसेस टू इनहेंस कैपेबिलिटीज। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। नए IAF प्रमुख ने क्षमताओं को बढ़ाने का वादा किया। एयर चीफ मार्शल ACM विवेक राम चौधरी ने गुरुवार को ACM RKS भदौरिया से 27वें वायुसेना अध्यक्ष CAS के रूप में पदभार ग्रहण किया, जो 41 साल से अधिक की सेवा के बाद सेवानिवृत्त हो गए। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी NDA के पूर्व छात्र CAS को दिसंबर 1982 में भारतीय वायुसेना के लड़ाकू वर्ग में कमीशन किया गया था। उन्होंने कई लड़ाकू और शिक्षक विमानों पर 3,800 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरी, वायुसेना ने एक बयान में कहा। वर्तमान नियुक्ति से पहले वह वायुसेना के उप प्रमुख थे। 29 सितंबर को सरकार ने अगले वायुसेना प्रमुख के रूप में ACM चौधरी की नियुक्ति की घोषणा की। ACM चौधरी ने कहा, हमारे देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा किसी भी कीमत पर सुनिश्चित की जानी है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिसंपत्तियों के साथ नए शामिल किए गए प्लेटफॉर्मों, हथियारों और उपकरणों के एकीकरण के माध्यम से परिचालन क्षमता में वृद्धि और संचालन की अवधारणाओं में समान होना एक प्राथमिकता वाला क्षेत्र रहेगा। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है।
अगली न्यूज का टाइटल है वैलिडिटी ऑफ व्हीकल डॉक्यूमेंट्स एक्सटेंडेड। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। वाहन दस्तावेजों की वैधता बढ़ाई गई। सरकारी एडवाइजरी के अनुसार वाहन परमिट, ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण और फिटनेस से संबंधित दस्तावेज 31 अक्टूबर तक वैध रहेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने COVID-19 के प्रकोप के बाद से 7वीं बार इन दस्तावेजों की समय सीमा बढ़ा दी है। एडवाइजरी में उन सभी दस्तावेजों को शामिल गया है जिनकी वैधता 1 फरवरी 2020 से समाप्त हो गई है या 31 अक्टूबर तक समाप्त हो जाएगी। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज़ का टाइटल है नीट OCI कैंडिडेट्स कैन अपीयर इन जनरल कैटेगरी। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। नीट OCI के उम्मीदवार सामान्य वर्ग में शामिल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के उम्मीदवारों को सामान्य वर्ग में नीट UG 2021 काउंसलिंग में भाग लेने अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की एक खंडपीठ ने 4 मार्च 2021 को गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना को चुनौती दे दी थी, जिसमें OCI उम्मीदवारों को अनिवासी भारतीयों NRI के समान व्यवहार करने का निर्देश दिया गया था। नीट में सफल OCI उम्मीदवारों को भारत में मेडिकल सीटों के लिए NRI द्वारा भुगतान किए गए उच्च शुल्क का भुगतान करना होगा। एक NRI विदेश में रहने वाला एक भारतीय नागरिक है, एक OCI भारतीय मूल का एक विदेशी नागरिक है। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एक NRI जो है वह विदेश में रहने वाले यानी जो ऐसे भारतीय नागरिक जो विदेशों में रहते हैं उन्हें NRI कहा जाता है, ठीक है। इसके विपरीत OCI जो होता है वो भारतीय मूल के विदेशी नागरिक हों, यानी कि उनकी नागरिकता भारत की ना हो लेकिन मूलतः उनकी जो मूल जड़ें हों वो भारत से हों लेकिन उनकी नागरिकता और देश की। तो एक OCI भारतीय मूल का एक विदेशी नागरिक है जो नागरिकता अधिनियम की धारा 7A के तहत OCI कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत है। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी के प्रतिनिधित्व वाली सरकार ने अधिसूचना को सही ठहराते हुए कहा कि OCI विदेशी थे जिन्होंने एक विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा का वचन दिया था। उन्हें सामान्य श्रेणी में भाग लेने की अनुमति देने का मतलब उन युवा भारतीय नागरिकों से सीटों का एक हिस्सा लेना था जो भारत में चिकित्सा का अध्ययन करने और डॉक्टर के रूप में काम करने की इच्छा रखते थे। सुश्री भाटी ने कहा कि इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि OCI भारत में दुर्लभ चिकित्सा शिक्षा संसाधनों का उपयोग करेंगे और फिर अपनी डिग्री के साथ अपने देश लौट जाएंगे। अदालत ने सुश्री भाटी द्वारा उठाए गए बिंदु की सराहना करते हुए कहा कि वर्तमान शैक्षणिक वर्ष से शुरू होने वाले 4 मार्च अधिसूचना को अचानक लागू करना मनमाना था। हमारा विचार है कि कम से कम वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2022 के लिए याचिकाकर्ता उन सभी मेडिकल सीटों के लिए पात्र माने जाने हकदार हैं जिनके लिए OCI 4 मार्च 2021 अधिसूचना जारी करने से पहले। इसलिए हम राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को याचिकाकर्ताओं नीट UG 2021 द्वारा ली गई परीक्षा का परिणाम घोषित करने का निर्देश देते हैं और पात्र याचिकाकर्ताओं को सामान्य श्रेणी में काउंसलिंग के लिए उपस्थित अनुमति दी। अदालत ने अपने आदेश निर्देश दिया। सुश्री भाटी के आग्रह पर अदालत ने स्पष्ट किया कि OCI को सामान्य वर्ग में प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति देने का आदेश केवल 2022 शैक्षणिक वर्ष तक ही सीमित था। सुनवाई के दौरान सुश्री भाटी ने कहा OCI ने स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ली है। न्यायमूर्ति मुरारी ने कहा सरकार ने इन लोगों को OCI के रूप में मान्यता दी और उन्हें अधिकार। सरकार की ओर से इसे अचानक से उनसे छीन लेना अब ठीक नहीं था। न्यायमूर्ति नजीर ने कहा कि देश समावेश की भावना के लिए जाना जाता है। इसके अलावा नीट में भाग लेने वाले OCI की संख्या लगभग 400 थी जो बहुत कम के साथ समाप्त। अगली न्यूज का टाइटल है कोवैक्सीन डेटा गिवन टू WHO फॉर नॉड। चलिए इसे पढ़ते हैं। WHO को मंजूरी के लिए दिया गया कोवैक्सीन डेटा। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने गुरुवार को एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कोवैक्सीन के लिए सभी आंकड़े विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को दे दिए गए हैं। समय की मांग, पूरी वयस्क आबादी को COVID-19 के खिलाफ 2 खुराक टीकाकरण सुरक्षा प्रदान करना था। उन्होंने कहा बूस्टर डोज की बात फिलहाल
फिलहाल प्रासंगिक नहीं है। हमने कुछ अध्ययन किए हैं जहां उन्होंने पाया है कि एंटीबॉडी एक साल तक बनी रहती है, उन्होंने ऐसा कहा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 69% वयस्क आबादी को COVID-19 टीकाकरण की पहली खुराक मिली थी, जबकि 25% को 2 खुराक का पूरा कवरेज दिया गया था। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि हमने कुछ राज्यों में दूसरी खुराक की धीमी गति देखी है और मंत्रालय ने उनसे इस बारे में बात की है। हम यह भी चाहेंगे कि स्वास्थ्य कर्मियों को पूरी तरह से कवर किया जाए। जैसे जैसे त्योहार नजदीक आ रहे हैं, हम सभी लोगों से भीड़ से बचने, शारीरिक दूरी बनाए रखने और मास्क का उपयोग करने की अपील करते हैं। COVID-19 उचित व्यवहार को बनाए रखते हुए त्योहार मनाएं। डॉक्टर भार्गव ने इस बात पर जोर दिया कि गैर जरूरी यात्रा से बचना और कम से कम इस वर्ष उत्सव मनाना समझदारी होगा। डॉक्टर भार्गव ने कहा कि डेंगू का टीका विकसित करना भारत के लिए एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। उन्होंने कहा कि नैदानिक परीक्षणों के लिए कुछ डेंगू उपभेदों को भारत में कुछ कंपनियों को लाइसेंस दिया गया था। इनमें से कई कंपनियों ने विदेशों में अपना पहला चरण परीक्षण किया है। हम और अधिक कठोर परीक्षण करने की योजना बना रहे हैं, उन्होंने टिप्पणी की। श्री भूषण ने कहा कि देश के 18 जिले साप्ताहिक COVID-19 सकारात्मकता 5% और 10% के बीच रिपोर्ट कर रहे थे। केरल अभी भी अधिकांश नए मामलों की रिपोर्ट कर रहा है। उन्होंने कहा, राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं कि त्योहार का मौसम संक्रमण के प्रसार का कारण न बने। उन्होंने कहा कि राज्यों से कहा गया है कि नियंत्रण क्षेत्रों के रूप में पहचाने जाने वाले क्षेत्रों में और 5% से अधिक मामले की सकारात्मकता वाले जिलों में सामूहिक समारोहों से बचना चाहिए। 5% और उससे कम सकारात्मकता दर वाले जिलों में अग्रिम अनुमति और सीमित लोगों, स्थानीय संदर्भ के अनुसार के साथ सभा की अनुमति होगी। उन्होंने कहा, साप्ताहिक मामले की सकारात्मकता के आधार पर छूट और प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए। उन्होंने लोगों से इस बार विस्तारित परिवार और दोस्तों के साथ ऑनलाइन जश्न मनाने का आग्रह किया। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है, अर्बन मिशंस टू गेट बिग आउटले। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। बड़ा परिवय करने के लिए शहरी मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को स्वच्छ भारत मिशन शहरी SBMU और अटल मिशन फॉर रिजुनुवेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन AMRUT के नए संस्करण का शुभारंभ करेंगे, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए संबंधित मिशनों के साथ अभिसरण और परिणाम आधारित शामिल होंगे। शहरों के लिए वित्त पोषण, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MHUA के शीर्ष अधिकारियों ने गुरुवार को कहा। MHUA के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि SBMU 2.0 और AMRUT 2.0 का लक्ष्य संतृप्ति है, जबकि 2014 और 2015 में शुरू की गई योजनाओं के पहले 5 साल के पुनरावृत्तियों ने क्रमशः परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया, जबकि SBMU ने शौचालयों के निर्माण और शहरों को खुले में शौच मुक्त ODF बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। SBMU 2.0 का लक्ष्य सुविधाओं को बेहतर बनाना, सभी लैंडफिल को पुनः प्राप्त करना और नगरपालिका के ठोस कचरे के प्रसंस्करण को वर्तमान 70% से 100% तक ले जाना है। इसी तरह AMRUT 2.0 का लक्ष्य सभी 4,378 वैधानिक कस्बों को पानी की आपूर्ति का सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना है, जो AMRUT के तहत 500 शहरों को कवर करने के लक्ष्य से अधिक है। अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय SBM ग्रामीण और जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के साथ तालमेल सुनिश्चित करने के लिए जल शक्ति मंत्रालय के साथ सहयोग करेगा। एक बयान में प्रधानमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को कहा कि दो मिशनों को शहरों को कचरा मुक्त और पानी सुरक्षित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है, जिसके लिए SBMU 2.0 के लिए 1.41 लाख करोड़ और इसके लिए 2.87 लाख करोड़ का परिव्यय किया गया था। अमृत 2.0 प्रस्तावित किया गया था। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार SBMU के तहत 66.86 लाख व्यक्तिगत घरेलू शौचालय और सामुदायिक शौचालयों में 6.40 लाख सीटों का निर्माण किया गया है, जबकि 4,371 शहरों को खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था। उनमें से 4,316 को अब तक प्रमाणित किया जा चुका है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है,
पैडी प्रोक्योरमेंट डिलेड इन पंजाब। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। पंजाब में धान खरीद में देरी। खाद्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि केंद्र ने हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद 11 अक्टूबर के लिए टाल दी है। पंजाब में 2021-2022 खरीफ विपणन सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर धान की मूल खरीद तिथि 1 अक्टूबर थी। यह आधिकारिक तौर पर 25 सितंबर को हरियाणा में शुरू होने वाला था। खाद्य मंत्रालय ने दोनों राज्य सरकारों को लिखे पत्र में कहा, पंजाब और हरियाणा राज्यों में हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण धान परिपक्वता में देरी आई हुई है और ताजा आवक में नमी की मात्रा अनुमेय सीमा से अधिक है। भारतीय खाद्य निगम से जानकारी का हवाला देते हुए किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए और उन्हें किसी भी असुविधा से बचाने के लिए यह निर्णय लिया गया है कि MSP के तहत धान की खरीद 11 अक्टूबर 2021 से पंजाब और हरियाणा में शुरू होगी ताकि FAQ विनिर्देशों के अनुसार धान स्टॉक स्वीकार किए जा सकें। राज्यों से यह कहा गया था कि वे अपनी एजेंसियों को पहले से आ चुके धान को सुखाने के लिए सलाह दें और यह सुनिश्चित करें कि कोई और उपज उचित सुखाने के बाद ही मंडी में लाई जाए। यह सरकार द्वारा धान की खरीद के लिए इस साल जारी किए गए अधिक कड़े विनिर्देशों के विरोध में कई फार्म यूनियनों की पृष्ठभूमि के खिलाफ आता है। इस वर्ष की नमी की मात्रा बाहरी पदार्थ और रंगहीन अंकुरित या क्षतिग्रस्त अनाज की अनुमेय सीमा कम कर दी गई है। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज़ का टाइटल है, मोर टाइम टू रिन्यू FCRA रजिस्ट्रेशन। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। FCRA पंजीकरण को नवीनीकृत करने के लिए और समय। गृह मंत्रालय MHA ने गैर सरकारी संगठनों के लिए अपने विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम FCRA पंजीकरण प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण के लिए आवेदन करने की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। विदेशी धन प्राप्त करने के लिए संघों और गैर सरकारी संगठनों के लिए पंजीकरण रहे। मंत्रालय ने पहले उन गैर सरकारी संगठनों को 30 सितंबर तक की राहत दी थी जिनका पंजीकरण 29 सितंबर 2020 और 30 सितंबर 2021 के बीच समाप्त हो रहा था। नवीनतम आदेश में यह कहा गया है कि गैर सरकारी संगठनों के प्रमाण पत्र या पंजीकरण की समय सीमा 29 सितंबर 2020 और 31 दिसंबर 2020 के बीच समाप्त हो रही है। 31 दिसंबर 2021 तक नवीनीकरण के लिए आवेदन कर सकते हैं। यह 80% गैर सरकारी संगठनों के प्रमाण पत्र 31 अक्टूबर को समाप्त होने की उम्मीद है और मानदंडों के अनुसार उन्हें पंजीकरण की समाप्ति से कम 6 महीने पहले आवेदन करना होगा। पंजीकृत NGO 5 उद्देश्यों के लिए विदेशी योगदान प्राप्त कर सकते हैं, सामाजिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। FCRA पंजीकरण हर 5 साल में नवीनीकृत किया जाता है। गैर सरकारी संगठनों को भी धन प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से दिल्ली में SBI के साथ एक खाता खोलना होगा। तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज़ का टाइटल है, कोर सेक्टर ग्रीव 11.6% इन अगस्त। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अगस्त में कोर सेक्टर 11.6% बढ़ा। अगस्त के लगातार दूसरे महीने भारत के मुख्य क्षेत्र के उत्पादन में 11.6% की वृद्धि हुई, जो कि एक साल पहले के महीने के 6.9% संकुचन से आंशिक रूप से अधिक था। उर्वरकों और कच्चे माल के उत्पादन में गिरावट के बावजूद 8 में से 4 क्षेत्रों में 2 अंकों की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई। उत्पादन भी पूर्व कोविड अगस्त 2019 के स्तर से 3.9% अधिक था। जुलाई 2019 के तुलनीय पूर्व महामारी महीने से 1.6% की वृद्धि की तुलना में तेज। अगस्त 2020 में 14.5% संकुचन की तुलना में सीमेंट उत्पादन में 36% की वृद्धि हुई, जबकि कोयले और प्राकृतिक गैस ने समान 20.6% की वृद्धि दर्ज की। बिजली और रिफाइनरी उत्पादनों में क्रमशः 15.3% और 9.1% की वृद्धि हुई और इस्पात उत्पादन में 5.1% की वृद्धि हुई। आर्थिक सलाहकार कार्यालय उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के आंकड़ों से पता चला।
आईसीआरए की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा कि रिफाइनरी उत्पादों और कच्चे तेल को छोड़कर सभी उप क्षेत्रों में पूर्व कोविड स्तरों से ऊपर उत्पादन देखा गया। उन्होंने कहा, बारिश की सुस्ती से कोयला, सीमेंट और बिजली के विकास को समर्थन दिया, जबकि उच्च गतिशीलता ने पेट्रोलियम उत्पादों को बढ़ावा दिया। कोर सेक्टर का उत्पादन जुलाई में 9.9% और जून में 9.3% बढ़ा। केयर के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा कि स्टील और सीमेंट में तेजी का श्रेय उच्च सरकारी खर्च और निर्माण गतिविधि को दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उच्च बिजली उत्पादन अर्थव्यवस्था में सामान्य उछाल वाली गतिविधि को दर्शाता है और इससे खनन में भी उत्पादन में वृद्धि होगी। श्री सबनवीस ने कहा, कुल मिलाकर कोर सेक्टर की वृद्धि उत्साहजनक है क्योंकि यह वर्ष के दौरान और तेजी की ओर इशारा करता है, क्योंकि सरकार अधिक खर्च करने के लिए नीचे आती है। सुश्री नायर ने आगाह किया कि खनन, निर्माण और बिजली में लाभ सितंबर की बारिश से धुल जाने की संभावना है। पिछले साल के लॉकडाउन से नकारात्मक आधार का सांख्यिकीय प्रभाव सामान्य हो गया है। सुश्री नायर ने कहा कि चालू महीने में बिजली की मांग 1% से नीचे गिर गई है क्योंकि भारी बारिश के साथ कृषि और घरेलू मांग कम हो गई है। कुल मिलाकर हम उम्मीद करते हैं कि सितंबर में कोर सेक्टर की वृद्धि मध्यम से 4-6% हो जाएगी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया टू कंक्लूड फ्री ट्रेड पैक्ट बाय इंड 2022 तेहान। चलिए इसे पढ़ते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया 2022 के अंत तक मुक्त व्यापार समझौता करेंगे तेहान। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से मुलाकात के बाद ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, पर्यटन और निवेश मंत्री डैन तेहान ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया गुरुवार को 2022 के अंत तक एक मुक्त व्यापार समझौते FTA को समाप्त करने के लिए सहमत हुए हैं, एक अंतरिम समझौते के साथ जिसे इस क्रिसमस तक अंतिम रूप दिया जाएगा। आर्थिक साझेदारी सेवाओं और वस्तुओं निवेशों में व्यापार को कवर करेगी और हम सरकारी खरीद, ऊर्जा संसाधनों, रसद और परिवहन मानकों, उत्पत्ति के नियमों पर चर्चा शुरू करेंगे। श्री तेहान ने एक संयुक्त ब्रीफिंग में कहा, हम अक्टूबर के अंत तक प्रस्तावों का आदान प्रदान करने के लिए सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा, यह भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक साझेदारी के लिए एक असाधारण महत्वाकांक्षी और एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि एक पूर्ण FTA होने के बाद द्विपक्षीय व्यापार $26 अरब के मौजूदा स्तर से दोगुना हो सकता है। यह वृद्धि दोनों देशों के उद्योगों में पूरकता के कारण सभी क्षेत्रों में होगी। हमारे मेरिनो वूल का इस्तेमाल भारतीय कपड़ा निर्माता बेहतरीन उत्पाद बनाने के लिए कर सकते हैं, श्री गोयल ने कहा। जम्मू और कश्मीर की पश्मीना इसी तरह ऑस्ट्रेलियाई लोगों के लिए एक आकर्षक प्रस्ताव हो सकती है। साथ ही साथ हमसे मिलने के लिए कुछ महत्वाकांक्षी लक्ष्य और समय सीमा निर्धारित की है और बातचीत करने वाली टीमें ऑस्ट्रेलिया भारत व्यापार संबंधों के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण परिणाम तक पहुँचने के लिए तुरंत काम शुरू कर देंगे। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है, करंट अकाउंट सरप्लस स्लाइड्स टू $6.5 बिलियन इन Q1। चलिए इसे पढ़ते हैं। चालू खाता अधिशेष Q1 में $6.5 बिलियन तक लुढ़क गया। 30 जून को समाप्त पहली तिमाही में भारत के चालू खाते की शेष राशि में $6.5 बिलियन यानी कि GDP का 0.9% का बहुत कम अधिशेष देखा गया, जबकि एक साल पहले यह $19.1 बिलियन GDP का 3.7% था। मार्च को समाप्त तिमाही में भुगतान संतुलन में $8.1 अरब का घाटा GDP का 1% दर्ज किया गया था। गुरुवार को जारी भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों से पता चलता है। रिजर्व बैंक ने कहा कि Q1 FY22 में चालू खाते में अधिशेष मुख्य रूप से व्यापार घाटे में $30.7 बिलियन की कमी के कारण था,
जो पिछली तिमाही में 41.7 बिलियन डॉलर था और शुद्ध सेवा प्राप्तियों में वृद्धि हुई थी। कंप्यूटर और व्यावसायिक सेवाओं के शुद्ध निर्यात के मजबूत प्रदर्शन के कारण निवल सेवा प्राप्तियों में क्रमिक रूप से और साल दर साल आधार पर वृद्धि हुई। निजी हस्तांतरण प्राप्तियां, जो मुख्य रूप से विदेशों में भारतीयों द्वारा प्रेषण का प्रतिनिधित्व करती हैं, एक साल पहले की तुलना में 14.8% बढ़कर 20.9 बिलियन डॉलर हो गई। शुद्ध विदेशी प्रत्यक्ष निवेश में 11.9 बिलियन डॉलर का अंतर्वाह दर्ज किया गया, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह 0.5 बिलियन डॉलर था। आंकड़ों से पता चलता है कि शुद्ध विदेशी पोर्टफोलियो निवेश 0.4 अरब डॉलर था। भारत के लिए शुद्ध बाह्य वाणिज्यिक उधार में 0.5 बिलियन डॉलर का अंतर्वाह दर्ज किया गया था और 0.6 बिलियन डॉलर का बहिर्वाह। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है, गवर्नमेंट लीव्स स्मॉल सेविंग्स रेट फॉर Q3 अनचेंज। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। सरकार ने Q3 के लिए छोटी बचत दरों को अपरिवर्तित रहने दिया। सरकार ने अक्टूबर दिसंबर तिमाही के लिए लघु बचत साधनों पर ब्याज दर को अपरिवर्तित छोड़ने का फैसला किया है, जो लगातार छठी तिमाही है कि सार्वजनिक भविष्य निधि PPF और राष्ट्रीय बचत पत्र जैसे उपकरणों पर दरें कर दी गई हैं। इस साल की शुरुआत में वित्त मंत्रालय ने अप्रैल जून तिमाही के लिए ऐसे उपकरणों पर 0.4 से 1.1% तक की दर में कटौती की घोषणा की थी, लेकिन एक निगरानी का हवाला देते हुए इसे घंटों के भीतर उलट दिया था। गुरुवार को मंत्रालय में आर्थिक मामलों के एक विभाग ने एक कार्यालय ज्ञापन में कहा कि तीसरी तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दर दूसरी तिमाही के लिए लागू मौजूदा दरों से अपरिवर्तित रहेगी। अर्थशास्त्रियों ने कहा कि हाल के महीनों में सरकारी प्रतिभूतियों पर औसत समग्र प्रतिफल में बहुत कम बदलाव को देखते हुए दरों पर यथास्थिति की उम्मीद थी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है, फिस्कल डेफिसिट टचेस टू 31.1% ऑफ FY टारगेट। चलिए इसे पढ़ते हैं। राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष के लक्ष्यों के 31.1% को छू गया। गुरुवार को लेखा महानियंत्रक CJA द्वारा जारी के अनुसार अगस्त के अंत में सरकार का राजकोषीय घाटा 4.68 लाख करोड़ या बजट अनुमान का 31.1% था। चालू वित्त वर्ष में घाटे का आंकड़ा एक साल पहले की तुलना में कम है, जब यह अनुमान के 109.3% तक बढ़ गया था। मुख्य रूप से COVID-19 महामारी से निपटने के लिए खर्च में उछाल के कारण CGA ने कहा कि निरपेक्ष रूप से राजकोषीय घाटा या व्यय और राजस्व के बीच का अंतर अगस्त के अंत में 4,68,009 करोड़ रुपए था। चालू वित्त वर्ष के लिए सरकार को GDP के 6.8% या 15,06,812 करोड़ के घाटे की उम्मीद है। के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है, अडानी साइंस $700 मिलियन डील फॉर लंका पोर्ट। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अडानी ने लंका बंदरगाह के लिए $700 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए। अडानी समूह ने गुरुवार को श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी SLPA और समूह जॉन कील्स होल्डिंग्स के साथ $700 मिलियन से अधिक के समझौते अक्षर किए, जो द्वीप राष्ट्र के बंदरगाह क्षेत्र में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बन गया। SLPA ने कहा कि तीनों पक्षों ने कोलंबो पोर्ट पर एक कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए 35 साल के बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर समझौते पर हस्ताक्षर किए। बंदरगाह के अधिकारियों ने कहा कि अडानी समूह और उसके स्थानीय साझेदार मिलकर एक वेस्ट कंटेनर टर्मिनल में 85% निवेश करेंगे, जबकि SLPA के पास शेष 15% हिस्सेदारी होगी। तो इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है, भारतीज नेक्स्ट्रा टू इन्वेस्ट 5,000 करोड़ इन डेटा यूनिट्स। चलिए इसे पढ़ें। भारत की नेक्स्ट्रा 5,000 करोड़ का निवेश करेगी डेटा इकाइयों में। भारतीय एयरटेल की शाखा नेक्स्ट्रा तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था की जरूरतों को पूरा करने के लिए 2025 तक अपनी डेटा सेंटर क्षमता 400 मेगावाट से अधिक करने के लिए 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी।
तो इसी के साथ ये न्यूज़ समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज़ का टाइटल है हिडन डेप्ट राइजिंग फॉर पार्टनर्स ऑफ चाइनाज BRI प्लान। चलिए इसे पढ़ते हैं। चीन के BRI योजना के भागीदारों के लिए छिपा कर्ज बढ़ रहा है। एक अध्ययन में पाया गया है कि चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत दर्जनों देशों में किए गए प्रोजेक्ट में 385 बिलियन का कर्ज कम बताया गया है, जिसमें सौदों की बढ़ती संख्या के कारण छिपे हुए कर्ज में वृद्धि हुई है। सीधे सरकारों के बीच में नहीं बल्कि कई वित्तीय संस्थानों के साथ अक्सर अपारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से संरचित। अमेरिका में विलियम एंड मैरी कॉलेज में एक विकास अनुसंधान प्रयोगशाला एडडाटा द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि चीनी ऋण बोझ अनुसंधान संस्थानों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों या पहले से समझी गई निगरानी जिम्मेदारियों वाले अंतर सरकार संगठनों की तुलना में काफी बड़ा है और अब 42 देश GDP के 10% से अधिक चीन में सार्वजनिक ऋण जोखिम का असर है। अध्ययन में कहा गया है कि कुल ऋण विश्व बैंक के देनदार रिपोर्टिंग सिस्टम DRS को व्यवस्थित रूप से कम रिपोर्ट किया गया था, क्योंकि कई मामलों में LMIC निम्न और मध्यम आय वाले देशों में केंद्र सरकार के पुनर्भुगतान के लिए जिम्मेदार प्राथमिक उधारकर्ता नहीं है। यह अनुमान लगाया गया कि औसत सरकार चीन को अपने वास्तविक और संभावित पुनर्भुगतान दायित्वों को उस राशि से कम कर रही है जो उसके सकल घरेलू उत्पाद के 5.8% के बराबर है, और सामूहिक रूप से इन अंडर रिपोर्ट किए गए ऋण लगभग $385 बिलियन के लायक। रिपोर्ट ने 2000 से 2017 की समयावधि में 165 देशों में $843 बिलियन की 13,427 परियोजनाओं का अध्ययन किया और जाँच की कि 2013 में शुरुआत में की गई राष्ट्रपति शी जिनपिंग की BRI योजना ने चीन के विदेशी ऋण को कैसे बदल दिया है। चीन और विदेशी वित्त पोषण के अन्य प्रमुख स्रोतों के बीच प्रमुख बड़ा अंतर यह था, चीनी बैंकों ने अंतरराष्ट्रीय विकास वित्त बाजार में एक प्रमुख स्थिति स्थापित करने के लिए सहायता के बजाय ऋण का उपयोग किया है। BRI की शुरुआत के बाद से चीन ने अनुदान के लिए ऋण का 31:1 और आधिकारिक विकास सहायता ODA के लिए अन्य आधिकारिक प्रवाह OOF का 9:1 बनाए रखा। हालांकि चीनी एजेंसियां कभी ऐसा करती हैं, वित्तीय सहायता के सार्वजनिक वितरण में ऋण और अनुदान के बीच अंतर करना, माफ कीजिए अंतर नहीं करना। रिपोर्ट में पाया गया कि चीन से औसत ऋण में 4.2% जो 2 साल की कम छूट अवधि और 10 साल से कम परिपक्वता अवधि है सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता। 2000 से 2017 तक इराक $8.5 बिलियन, उत्तर कोरिया $7.17 बिलियन और इथियोपिया $6.57 ODA के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता थे, जबकि रूस $151.8 बिलियन, वेनेजुएला $81.96 बिलियन और अंगोला $50.47 बिलियन ODA के सबसे बड़े प्राप्तकर्ता थे। इस रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2017 तक चीनी ऋण प्राप्त करने वाले शीर्ष प्राप्तकर्ताओं की सूची में भारत $8.86 बिलियन प्राप्त करने पर 23वें स्थान पर है। हालांकि दक्षिण एशिया में नेपाल और श्रीलंका जैसे कई देशों ने उच्च ब्याज दरों पर चीनी ऋण की ओर रुख किया है, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए कहीं और वित्त पोषण विकल्पों की कमी है। इसने पिछले 2 दशकों में चीनी संस्थानों से ऋण देने में वृद्धि देखी है। अध्ययन में पाया गया है कि BRI के तहत जो बदलाव आया है वह यह था कि पहले ज्यादातर विदेशी उधार में केंद्र सरकार के संस्थान शामिल थे, अब चीन के विदेशी ऋण का लगभग 70% हिस्सा अब राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों, राज्य के स्वामित्व वाले बैंकों, विशेष परियोजनों, वाहनों संयुक्त को निर्देश किया जाता है। उद्यम और निजी क्षेत्र के संस्थान ऋण LMIC में सरकारी बैलेंस शीट पर प्रकट नहीं होते हैं, हालांकि उनमें से अधिकांश मेजबान सरकारी देयता संरक्षण के स्पष्ट या निहित रूपों से लाभान्वित होते हैं, जिसने निजी और सार्वजनिक ऋण के बीच अंतर को धुंधला कर दिया है और LMIC के लिए प्रमुख सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन चुनौतियां पेश की हैं। BRI के साथ अन्य परिवर्तन मेगा परियोजनाओं $500 मिलियन या अधिक मूल्य की बढ़ती संख्या है।
जिसने चीनी बैंकों को जोखिम साझा करने के लिए उधार देने वाले सिंडिकेट और वित्त पोषण व्यवस्था के माध्यम से काम करने के लिए प्रेरित किया। इस प्रकार सह वित्त पोषित परियोजनाओं की हिस्सेदारी 32% है और ऋण के छिपे होने के पीछे एक और कारण है। रिपोर्ट में पाया गया है चीनी संस्थान जोखिम को कम करने के लिए संपार्श्विक का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए पुनर्भुगतान जोखिम को कम करने के लिए भविष्य की वस्तु निर्यात प्राप्तियों के खिलाफ संपार्श्विक ऋण या बाद में उच्च ब्याज दरों पर 6% तक की कीमत। रिपोर्ट में कहा गया है कि BRI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो के 35% को बड़ी कार्यान्वयन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि भ्रष्टाचार, घोटालों या श्रम उल्लंघन। पाकिस्तान उन देशों की सूची में सबसे ऊपर है जहां घोटालों और भ्रष्टाचार से प्रभावित परियोजनाओं की संख्या सबसे अधिक है। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अगली न्यूज का टाइटल है फ्रॉम अफगानिस्तान टू ऑकस अबिडेन डॉक्ट्राइन टेक्स शेप। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। अफगानिस्तान से ऑकस तक एक बिडेन सिद्धांत आकार लेता है। जुलाई की शुरुआत में जब अमेरिका अफगानिस्तान से सैनिकों की वापसी पर तेजी से नजर रख रहा था, राष्ट्रपति बिडेन ने कहा कि अमेरिका राष्ट्र निर्माण के लिए अफगानिस्तान नहीं गया था। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने राजनीतिक उद्देश्यों को पूरा किया, ओसामा बिन लादेन को न्याय के कटघरे में लाना और अलकायदा के नेटवर्क को बाधित करना। 31 अगस्त पर अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों के अंतिम दिन श्री बिडेन ने एक और बयान दिया जिसमें तालिबान की त्वरित जीत का कारण बनने वाले पुल आउट का बचाव किया था। श्री बिडेन के अनुसार अन्य देशों के रीमेक के लिए सैन्य अभियानों का युग समाप्त हो गया है। विदेश नीति में दशकों के अनुभव के साथ एक स्थापना डेमोक्रेट श्री बिडेन अमेरिका के शासन परिवर्तन युद्धों के समर्थक रहे हैं। एक सीनेटर के रूप में इन्होंने 2003 के इराक आक्रमण के लिए मतदान किया व 2011 में लीबिया पर आक्रमण करने वाले ओबामा प्रशासन में दूसरे नंबर पर थे, लेकिन अब श्री बिडेन अपने प्रशासन को अपने पूर्ववर्तियों के उदार अंतर्राष्ट्रीय वाद से दूर कर रहे हैं, एक तरह से डोनाल्ड ट्रंप की रणनीतिक अनिच्छा के बाद। श्री ट्रंप दशकों में पहले अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिन्होंने एक नया युद्ध शुरू नहीं किया। यह श्री ट्रंप ही थे जिन्होंने चीन पर व्यापार शुल्क लगाया और तालिबान के साथ एक आपसी समझौते पर पहुंचे, जबकि श्री ट्रंप ने अमेरिका की हस्तक्षेपवादी प्रवृत्तियों पर लगाम लगाई और विदेश नीति को चीन की ओर मोड़ दिया। उनका दृष्टिकोण काफी हद तक लेन देन वाला था। जलवायु परिवर्तन को छोड़कर बिडेन ने ट्रंप के किसी भी प्रमुख विदेश नीति को रद्द नहीं किया। इसके बजाय वह यानी कि श्री ट्रंप ने जो शुरू किया वह व्यवहारिक यथार्थवाद पर आधारित एक रणनीतिक ढांचे की पेशकश करता है। 2001 में राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने आतंक पर वैश्विक युद्ध शुरू किया, श्री ओबामा ने इसे जारी रखा और ट्रंप ने इसका इस्तेमाल पश्चिम एशिया में ईरानी शक्ति को लक्षित करने के लिए किया। लेकिन बिडेन यह नहीं मानते हैं कि विश्व स्तर पर आतंकवाद को हराना अमेरिका की जिम्मेदारी है। वह अमेरिकी मातृभूमि पर हमलों को रोकने पर केंद्रित युद्ध के रूप में आतंक के खिलाफ युद्ध की फिर से व्याख्या कर रहे हैं। यह दृष्टिकोण अमेरिका को अन्य संघर्ष थिएटरों से पीछे हटने और चीन के उदय से निपटने के लिए अपने संसाधनों को फिर से केंद्रित करने की अनुमति देगा। अफगानिस्तान से वापसी ने अमेरिका की ताकत पर विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसी आलोचनाएं थीं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में अपने सहयोगी काबुल सरकार को छोड़ दिया, लेकिन बिडेन की नई यथार्थवादी दुनिया में अफगान सरकार का समर्थन करना या तालिबान से लगातार लड़ना अमेरिका के लिए किसी भी राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है। लेकिन चीन के उदय से निपटना अमेरिका के हितों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तेजी से शक्तिशाली चीन अमेरिका की वैश्विक श्रेष्ठता को चुनौती दे सकता है। अफगानिस्तान से वापसी पूरी करने के बाद बिडेन प्रशासन ने अपने सबसे महत्वाकांक्षी नए गठबंधन ऑकस की घोषणा करने में कोई समय बर्बाद नहीं किया। 15 सितंबर को घोषित ऑकस सौदे के तहत ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका से परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां मिलेंगी।
और यूके ऑस्ट्रेलिया भी अपने क्षेत्र में अमेरिकी बम वर्षकों की मेजबानी करेगा, उन्नत मिसाइल प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्राप्त करेगा। श्री बिडेन ने मार्च में भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के नेताओं के पहले क्वाड शिखर सम्मेलन को बुलाकर संकेत दिया था कि उनका ध्यान कहां पर होगा। लेकिन क्वाड, जो कुछ समय से आसपास है, ने अभी तक कोई सुरक्षा आयाम हासिल नहीं किया है। दूसरी ओर ऑकस इंडो पैसिफिक में पुनर्संतुलन के लिए वाशिंगटन का सबसे जोरदार प्रयास है। एक ऐसा कदम जो बीजिंग में इस विश्वास को शक करेगा कि अमेरिका चीन को नियंत्रित करने की मांग क्यों कर रहा है। जबकि बिडेन ने 21 सितंबर को अपने यूएनजीए संबोधन में ऑकस की घोषणा के 6 दिन बाद और पहले क्वाड इन पर्सन लीडर समिट से 3 दिन पहले एक नए शीत युद्ध से इनकार कर दिया। उन्होंने अपनी विदेश नीति के फोकस पर कोई अस्पष्टता नहीं छोड़ी। यह आतंक के खिलाफ युद्ध नहीं है, न ही रूस अमेरिका का पारंपरिक दुश्मन है, यह चीन होने जा रहा है और यह कि नई महान शक्ति प्रतियोगिता इंडो पैसिफिक में सामने आएगी। इसी के साथ ये न्यूज समाप्त हो जाती है। अब हम पहुंच चुके हैं आज के समाचारों के सबसे अंतिम पड़ाव पर, जिसका टाइटल है डेटा पॉइंट। और इस डेटा पॉइंट का जो शीर्षक है वो है अ क्रूड शॉक टू इंडियन कंज्यूमर्स। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। भारतीय उपभोक्ताओं के लिए एक कच्चा झटका। भारत में कच्चे तेल की कीमतें करीब 3 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई हैं। इसके बाद पेट्रोल और डीजल की खुदरा कीमतों, जो पहले भारी कर दरों के कारण अधिक थे, और अधिक हो गए। विशेष रूप से हाल के दिनों में जब भी कच्चे तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, बोझ उपभोक्ताओं पर डाल दिया गया है। हालांकि जब कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई, केंद्र के उत्पाद शुल्क में अनुपात में वृद्धि की गई, तो भी उपभोक्ताओं ने अधिक भुगतान करना जारी रखा। इसके विपरीत करों में राज्य का हिस्सा ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी के जरिए करीब 16 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। वित्तीय वर्ष 2015 और वित्तीय वर्ष 2021 के बीच पेट्रोलियम उत्पाद और अब जब ईंधन की खपत महामारी से पहले के स्तर तक पहुंच रही है, उपभोक्ताओं को अधिक भुगतान करना पड़ सकता है। ये रिपोर्ट है विग्नेश राधाकृष्णन, सुमंत सेन और जैस्मिन निहलानी जी की। यहाँ नीचे आप देख सकते हैं कि कुछ आपको चार्ट बने हुए हैं, जहाँ पे ग्राफ के माध्यम से दिखाया गया है कि मार्च 2014 से लेकर के सितंबर 2021 के बीच में कच्चे तेल की दामों में किस प्रकार से उतार और चढ़ाव आया है, साथ ही साथ दिल्ली में औसत मूल्य में कितना परिवर्तन आया है वो भी दिखाया गया है। और उसके बगल ही एक दूसरा चार्ट बना है, जिसमें ग्राफ के माध्यम से ये दिखाया गया है कि जनवरी 2014 से लेकर जनवरी 2021 के बीच में कच्चे तेल की खपत में कितना परिवर्तन आया हुआ है। यहाँ पे पेट्रोल डीजल के साथ साथ कच्चे तेल की नाप तौल को मीट्रिक टन में प्रदर्शित किया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है पिछले साल पेट्रोल की कीमतों में 25 रुपए की वृद्धि हो चुकी है और अप्रैल 2020 में केंद्र ने 46% पेट्रोल में हिस्सेदारी ली थी। और साथ ही साथ यहाँ नीचे दो और चार्ट में आप देख सकते हैं कि मार्च 2014 से लेके सितंबर 2021 के बीच में पेट्रोल के बेस प्राइस यानी आधार मूल्य और डीलर के कमीशन को जोड़ करके कुल कितना परिवर्तन आया है। और सबसे अंतिम चार्ट जो है वहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्साइज ड्यूटी और अदर टैक्सेस को मिला करके 2007 से लेके 2021 के बीच में इन दामों में कितना परिवर्तन आया है। तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले करके इसे ध्यान से समझने और पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और कमेंट करते हुए इसे शेयर भी कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।